कीजिए, गुस्सा मुझे मत दिखाइए, आइए जल्दी आइए, और दो घंटे में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, वो भी बताऊंगा आपको, इंतज़ार करो। कपड़े उतारे जाएंगे, नंगा किया जाएगा, तुम बोलते रहना, हम करते रहेंगे। आप कहते हैं आप महान योद्धा के पोते हैं, क्या आपके पिताजी के पिताजी थे वो? ये तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, मैं सब हिंदुओं को जोड़ता हूँ, वैदिक संस्कृति को उठाता हूँ, और आप एक तो उस संस्कृति का अपमान करते हैं और फिर आकर माफ़ी मांगते हैं और डिप्लोमेट बनने की कोशिश करते हैं कि आप डरे नहीं, लेकिन डरे तो आप बहुत ज़्यादा हुए। जाति में बांटते हैं, आपसे पहले भी एक भाई आए थे जाति में बांटने मेरे खिलाफ लोगों को, उनके साथ क्या हुआ ये भी आप जानते हैं, आपके साथ क्या होगा ये भी आप जानते हैं। दिल्ली पुलिस में आप काम करते हैं और उसके बाद आपके दूसरे दिन दुबई ट्रिप लगते हैं, जो दूसरे भाई आपसे पहले आए थे वो जाकर नंगे होते हैं उनके आगे, दुबई में, JW में, मुंबई के, दिल्ली के, कहाँ पे, शायद आपका भी कुछ ऐसा ही नाता है। जातियों में मत बांटिए, हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे कार के बीच में अड़चन बन रहे हैं, इसीलिए आपकी गर्दन को पकड़ा गया है और अब कपड़े भी फाड़े जाएंगे, और जहां जो डालना है डालिए, इंतजार कर रहा हूं, खाली भों भों और भों मत कीजिए, इंतजार कीजिए। भाई दोबारा गलती मत करना, और रही आपको अटेंशन देने की जरूरत मुझे नहीं है, बहुत मेहनती आदमी हूं भाई, अभी तक प्यार मोहब्बत से तू बात करता था, तेरे से बात कर लेता था, ठीक है, और जाट का बीज हूं, ठीक है, दिमाग ना हर टाइम गुस्सा यहां रहता है, परिवार वाला हूं इसीलिए शांत रहता हूं, प्यार करता हूं सबसे, सभी एथलीट्स की, सभी देशवासियों की, सभी भाइयों की इज्जत करता हूं, धर्म नहीं देखता, ठीक है, सरहद पे जो शहीद होते हैं वो धर्म नहीं देखते, हम सबके लिए लड़ते हैं, ठीक है, तो अपने हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए धर्म को प्रमोट, लेकिन दूसरे धर्म को गलत मत बोलो। मेरे को जवाब देना था अपनी ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को, अपने भाइयों को, और मेरा दिल साफ था, इसीलिए मैं इस भाई का वेट कर रहा था कि 24 घंटे का इसने धमकी दी थी, पहले धमकी का टाइम निकलने दो, तब मैं अपनी पब्लिक से बोलूंगा, भाई जाने अनजाने में अगर मेरे से गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन भाई इसका काम है ना, ये मेंटली स्टेबल नहीं है, आपकी मर्जी है, आप इसे देखना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, एडमायर करना चाहते हो, आप कीजिए, मैं नहीं मना करूंगा, अपने बारे में सोच के, अपनी फैमिली के बारे में सोच के डिसीजन लीजिए, और रही मेरे बारे में, अब ये कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि मुडियन से माफी मांग ली थी, अगर मैंने गलती की है जाने अनजाने वो मैंने मांग ली, अब ये मेरे बारे में कुछ भी बोलता रहे, मेरे पास इसको देने के लिए समय नहीं है, बिकॉज मेरे पास आप सब है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरे बच्चे हैं, मेरा काम है और मुझे बहुत काम करना है। Everybody is a gangster till you see the monster. देखो यार, या तो लाइव आके बात करो या मिलके बात करो, छोटे स्कूल के बच्चे, छोटी बच्ची हो क्या हैं? छोटी बच्ची, गाड़ी चला ले ढंग से, ऐसे ना कहीं ठुक जियो, लाइव आ जाओ, रूबल भाई मेरे साथ आप वार्तालाप करते हैं, डिबेट करते हैं, देखते हैं कि आपने सही किया कि गलत किया, कि मैं पागल हूँ, पागल इंसान के साथ, सोचो पागल इंसान से आप कैसे हार जाओगे, डिबेट करो, पहला ऑप्शन आपके लिए, दूसरा ऑप्शन लड़ लो मुझसे, डाल दूंगा वाल दूंगा, तीसरा राजवीर भाई के लिए आपको डिबेट कर लो, डिबेट करनी है लाइव आके, चौथा ऑप्शन राजवीर भाई के लिए आपको लड़ना है मुझसे, स्थान डिसाइड करो, जगह डिसाइड करो, टी शर्टें निकाल के स्लगर रख के कंधे पे घूमते हैं सड़कों पर, बोलो मत यार, काम बहुत है, 3 बजे लाइव जाना है, और आपको लाइव आना है कभी मेरे साथ तो बताओ, दिन फिक्स करो, लड़ना है किसी दिन, लड़ने का मन है तो वो दिन फिक्स करो, सब जानते हैं आपके गुदे में कितना जोर है वो दिखाई दे रहा है, सारी की सारी टीम एक तरफ लाइव होके बैठ जाओ तब भी चलेगा, बो 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 बो, क्या मतलब है यार, कोई
तरीका होता है बात करने का, आपका परिवार देख रहा है। अभी रुबल भाई आपके बच्चे बीवी बच्ची सब देखेंगे, ये जो आपके दोस्त गालियां देते हैं, आप जो ये डाल दूंगा निकाल दूंगा, क्या सीखेंगे यार वो। और क्या क्या बोल रहे थे कि किसी लड़की के बारे में गलत बोला कि उसके साथ शादी करके और संभोग करके एक बच्चे की प्राप्ति करूंगा। गलत बोला मैंने? आपने क्या किया? बिना संभोग के बच्चा कर लेते हैं आप? मित्र आपके रेप केस में अंदर जाते हैं, तब आप उनका साथ नहीं देते, आप दुबई जाके पता नहीं कहाँ कहाँ हिलाते हैं, और मुझे कहते हैं मैं शादी कर लूंगा किसी लड़की से और एक संतान की प्राप्ति कर लूंगा तो मैं गलत करूंगा। ब्रह्मचार्य का अर्थ मुझे समझा रहे हैं, जाति में आप बांट रहे हैं, और फिर डर ऐसा लग रहा है कि ओह ये क्या बोल दिया मैंने गलती से, इसको कवर कैसे करूं, हिंदू मुसलमान सब एक होते हैं, कैसे एक होते हैं, एक होते हैं। अच्छा टोपी पहन के फिर चले जाओ, खतना करवा लो, एक होते हैं तो। एक तरफ अपने आप को जाट बोलते हो, फिर बोलते हो हिंदू मुसलमान एक होते हैं। मत लेना पंगा, कर दूंगा नंगा, लाइव आओ नहीं तो लड़ने आओ, मिलेंगे जल्दी शेरू क्लासिक में। आज से 2 साल पहले मैंने अमेरिका के प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट नहीं था मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री को मैंने पकड़ के नंगा करके कूटा था, मान लो ये बात मेरी, बस मान लो मैंने कह दिया बस। मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ आज गंदी गंदी बातें सुननी पड़ी, गंदी चीजें देखनी पड़ी, और ऐसी मैं जानता हूं बहुत अच्छे से जो भी आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप अच्छी चीजें देखने के लिए फॉलो करते हैं और अच्छी चीजें सीखने के लिए मुझे फॉलो करते हैं। और आज ऐसा ही लग रहा है कि कीचड़ में पत्थर मार दिया और वो कीचड़ आप सभी के ऊपर पड़ा है। भविष्य में कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, आप लोगों को ये सब गंदी बातें ना देखनी पड़े, सुननी पड़े। और अगेन आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता है ऐसा कोई भी गाली देता रहे, क्योंकि गाली इंसान अपने मन से उठाता है और उसका मन सबसे पहले पहला होता है, लेकिन एक्सेप्ट करना ना करना हमारे ऊपर होता है। गाली देना आसान है इसीलिए कोई भी गाली दे देता है, अच्छे काम करना मुश्किल है इसीलिए अच्छे काम नहीं कोई करता है। माफ़ी चाहता हूँ कि आपको ये सब आज सुनना देखना पड़ा, लेकिन जो दिखाना है पूरा दिखाओ, जो पखंड रचने हैं पूरे रचो, जो झूठ फैलाने हैं पूरे फैलाओ, जो खोल के दिखाना है स्नैपचैट पे पूरा खोल के दिखाओ। बुद्धिजीव स्नैपचैट पे चैट और फोटोज सीमित समय के लिए रहती हैं। और दूसरी बात, जो डीपी लगी है तुम्हारी चैट में, वो मैंने कभी डीपी लगाई नहीं अपने अकाउंट पे, मेरी 2 साल से एक ही डीपी है जो अभी लगी हुई है। सफाइयां, क्योंकि तुमने उंगली ब्रह्मचार्य पर उठाई, तुमने उंगली मेरी वैदिक संस्कृति पे उठाई, तुम जो कोशिश कर रहे हो वो मुझे नीचा नहीं, तुम पूरे के पूरे हिंदू धर्म को नीचा दिखा रहे हो, और वो भी झूठ के बुनियाद पर। जो तुम बातें बोलते हो वो मैं पहले खुद एक्सेप्ट कर चुका हूं। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरी नई पोस्ट देखी, अभी भी मैंने पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे ही, और समझिए कि कैसे लोग आके टेक्नोलॉजी का यूज कर एडिटिंग करके जिस तरीके से मैंने सेम वीडियो उनकी डाली है अभी, और आपको समझ में आएंगी चीजें। मैं बहुत समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे रिएक्ट करूँ इस बात पे, लेकिन मैं अब आप लोगों पर छोड़ता हूँ ये, क्यों ना कुछ आप भी करें।